नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सिम टू के लिए भी, जिसमें हम बात करते हैं स्पॉटिंग फॉर बिजनेस के बारे में। तो आज हम फियो की वेबसाइट पर जाएंगे और उसका डेमो करेंगे और फियो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो भी है उसको क्या वो कैसे करना है उसकी वेबसाइट पर हम जाएंगे और वहाँ पे ए टू जेड मेंशन है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कौन सी ए टू जेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वो हम आज उसका डेमो करेंगे। तो आपको fio.org सर्च करना है गूगल में। fio.org सर्च करोगे आप तो यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी है। ओके, ट्रेड पॉलिसी में जानेंगे, पहला है गाइडलाइंस, वहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे है बेसिक गाइडलाइंस हाउ टू एक्सपोर्ट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि क्या किसका वर्क है, वहां तक कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है ए टू जेड, वो हम अभी सीखेंगे। हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले आपको एक एस्टेब्लिश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, LLP, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आप अपना नेम और लोगो जो भी आपको डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैंक का अकाउंट ओपन करना। बैंक अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद आता है पैन कार्ड का, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपको फॉर्म पैन कार्ड लगेगा, अगर आप सॉरी पार्टनरशिप है तो आपका फॉर्म पैन कार्ड लगेगा और प्रोप्राइटरशिप है तो आपका खुद का जो भी पैन है वो चल जाता है। उसके बाद आता है IC, IC के बाद आएगा आपका RCMC, उसके बाद आता है GST। ओके, ये सारा का सारा आपका हो गया, ये मेनली डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन, वो आपका जो भी CH है वो करता है। एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ने चार विभाग में प्रोडक्ट को डिवाइड किया है, फ्रीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। फ्री यानी कि उसमें आपको कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, रेस्ट्रिक्टेड यानी कि आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, प्रोहिबिटेड आप कर ही नहीं सकते हो वो प्रोडक्ट्स। रेस्ट्रिक्टेड ऑन एक्सपोर्ट ऑन इंपोर्ट कंट्रीज, वायर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट परमिटली मोस्ट फेवरेटेड नेशन एंड बेस इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स आर प्रोहिबिटेड एंड अकाउंट UN। ये चार तीन कंट्री है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है तो आपको ध्यान रखना होगा, इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट वाइल एक्सपोर्टिंग, क्या होता है पहले से आपका जब भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है या फिर आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपका हो जाता है, उससे पहले का स्टेप क्या होता है, पहला होता है सैंपलिंग, उसके बाद होता है डेमोनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग आपका जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद आता है प्राइसिंग, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग और कॉस्टिंग, इसमें क्या आता है, प्राइसिंग में आता है कि आपके प्रोडक्ट टन के हिसाब से है, केजी के हिसाब से है या फिर पैकिंग के हिसाब से, उसके ऊपर आपका प्राइस होता है। उसके बाद आता है कॉस्टिंग यानी कि उसमें दो ही प्राइसिंग और उसमें FOB हो गया, CIF हो गया, CNF हो गया, वो सारी के सारी मैं अभी आगे भी आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या है FOB, क्या है CIF, क्या है, उसमें मैं आपको डिप में समझाऊंगा। अभी आपको यही बेसिक नॉलेज है वही आपको लेने की रिकमेंड है। पेमेंट टर्म हो गया है, डिसाइडेड ऑन द बेस्ट पेमेंट टर्म LC, DA, DP एंड एक्सेट्रा गिवन इन द चार्ट बिलो, यहाँ पे मेंशन किया गया है आप ये दिन LC, DA, DP एंड गिवन इन चार्ट बिलो।
वही पेमेंटम आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपने कोई भी पेमेंटम यूज की है और आपका पेमेंट नहीं आता है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बैंक का या फिर ECGC का उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता नहीं है। कस्टम हाउस एजेंट, उसका वर्क मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था है, आपको आई थिंक वो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए। कस्टम हाउस CHA का वर्क होता है आपका गुड्स का क्लियरेंस करना। अभी आता है कि आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट BL कॉमर्शियल इनवॉइस एंड शिपिंग बिल, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और IC कस्टम प्रोसीजर, नो गुड्स कैन बी एक्सपोर्ट विदाउट क्लियरेंस। या कस्टम के प्रोसीजर को आपको फॉलो करना ही होता है। आपका कस्टम क्लियरेंस, आप कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट करते हो, जो भी जहां से भी एक्सपोर्ट हुआ है वह कस्टम क्लियरेंस होता ही है। सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू विद इन 21 डेज फॉर द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्टेशन बिल लॉज। यह आप DADP और LC में डील करते हो और आपने पेमेंट बाय बैंक रखा है तो आपको विद इन 21 डे में आपको बैंक के सारे डॉक्यूमेंट से वो सबमिट कराने होते हैं और उस बैंक अपनी बैंक जो भी इम्पोर्टर की बैंक है उसको वो ट्रांसफर करती है। तब यहाँ पे आपका जो भी BL सेविंग बिल और रेलवे बिल होता है तो अगर वो डॉक्यूमेंट उसको ओरिजिनल नहीं मिलते हैं तो वो गुड्स नहीं छुड़ा सकता। अगर गुड्स नहीं छुड़ाएगा तो उसको आपको डेमरेज चार्ज लगना शुरू हो जाता है। मोड ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट, यहाँ पे है देखो अमाउंट, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर प्रपोजल चेक, करेंसी नोट्स, ये सारा का सारा आप डीप में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। अगर आपका बायर बोलता है कि मुझे आपकी जो भी आप मुझे क्वालिटी दे रहे हो उसमें मुझे कुछ डाउट्स है तो मुझे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी वो गवर्नमेंट की है और SGS है वो प्राइवेट है। आपको जो भी चाहे और आपका जो भी बायर कहता है वो आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आप करा सकते हो। सारा का सारा चार्ट हो गया यहाँ पे है, ये प्रोसीजर है। ओके, ये सारे के सारे प्रोसीजर है और मैं ऐसे ही आपको हर एक साइट में ऐसा एक्सपोर्ट कैसे करना है वो हर एक साइट में हर एक EPC की साइट में वहां पे अवेलेबल है। आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है इसलिए मैंने ये वीडियो बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं उसके साथ आप शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही में राइट इन्फॉर्मेशन किसी को पास पहुंच सके और वो इधर उधर भटके नहीं और उसका पैसा भी वेस्ट ना हो और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। दोस्तों ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।